जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पामगढ़ के चैतन्य कॉलेज में गणेश विसर्जन धूमधाम से मनाया गया। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन का दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी के बाद 14 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति पूजन की जाती है। इसके बाद गणेश मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश के पूजन के आखिरी दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मूर्ति को गणेश विसर्जन के लिए नदी, समुन्द्र या अन्य जल स्रोत में डाला जाता है। ये पारंपरिक रूप से गणेश उत्सव का अवसर होता है। लोग इस अवसर पर भगवान गणेश को विदा करते हैं और उनका आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में आज पामगढ़ के चैतन्य कॉलेज में डीजे बाजे के साथ श्री गणेश जी को विसर्जन किया गया। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी, हम सभी हर वर्ष प्रतिवर्ष ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हम सभी खुश हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमेशा हर पर्व को, सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं, आने वाले हर पर्व को हम इतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बोलो, आज हमारे चैतन्य महाविद्यालय में गणेश विसर्जन टू सर्जन में हमारे स्टूडेंट और सभी छात्र सर मैडम लोग बहुत इंजॉय एवं ब्यूटीफुल कर रहे हैं। हम स्टूडेंट विद्यार्थी होते हुए हमारे कॉलेज चैतन्य विज्ञान एवं कला आर्ट विश्वविद्यालय में बहुत उत्साह स्टूडेंट लोग, छात्र लोग बहुत इंजॉय और फुल मस्ती कर रहे हैं। हम लोग पूरे महाविद्यालय परिवार एक साथ, हम लोग स्टूडेंट सब मिल के हम लोग 19 तारीख का स्थापना किए थे गणेश जी का। आज हम लोग उसका विसर्जन कर रहे हैं और देख रहे हैं आप कॉलेज में माहौल कितना अच्छा है।